हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है और मैं इधर आया हुआ हूँ अपने काम से। तो मैंने अपना काम ख़त्म किया और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, और फिर मैंने सोचा कि इधर से मैं खाना भी ले लूँगा। आगे जाके एक होटल है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उसका नाम है शेरी पंजाब। तो उसका खाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इधर से मैं अपने लिए खाना ले जाऊँगा। इस जगह को कहते हैं पुराना रसल खेमा। पुराना रसल खेमा या ओल्ड रसल खेमा इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो आबादी है ये पुरानी आबादी है। शुरू में इधर ही सारी आबादी होती थी रसल खेमा की। बाद में रसल खेमा फैल गया और जगहों पर फिर नए घर बने। इधर सारे पुराने कच्चे घर हैं। अभी जो आगे मैं आपको एक बाज़ार दिखाना चाहता हूँ, उसको कहते हैं कुवैती बाज़ार। तो ये बहुत स्पेशल मार्केट है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बिल्कुल देसी सा है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो मार्केट होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का बाज़ार है ये। इस मस्जिद का नाम भी है कुवैती मस्जिद। यहाँ पर ज़्यादातर दर्जियों की दुकानें हैं और यहाँ पर अबाए बहुत स्पेशल मिलते हैं, और इसके अलावा बच्चों और बड़ों के कपड़े और जूते मिलते हैं। 2015 में इधर एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की फ़िल्म है। उसकी शूटिंग इस बाज़ार में, इस जगह पे हुई थी। ये आप देख रहे हैं, ये इराक दिखाया जा रहा है कि ये इराक है, लेकिन असल में ये इधर इन्होंने फिल्मिंग की है। तो ये ओरिजिनल फिल्म का सीन है। इन्होंने एडिटिंग वेडिटिंग भी की है। ये पीछे मस्जिद भी नज़र आ रही है, लेकिन ये एग्जैक्टली यही जो बाजार है यही है। ये गोल्ड मार्केट है आगे, लेकिन ये बंद है अभी, आज जुमा है, इस वजह से, जुमे की वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद हैं आज। ये हम आ गए हैं शेरी पंजाब मतम में। ये अफगानी तंदूर है, इधर से हम रोटी लेंगे आखिर में आके। अच्छा, ये अभी मैं इसके बैक साइड पे आ गया। यहाँ पर ये बीच है।
यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए भी आते हैं। और इसको बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इधर लोग वॉक करते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं शाम को स्पेशली। ये बहुत ही साफ सुथरी और खुली जगह है, देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। देखो कैसे टेस्ट कर लो। टेस्ट करो। ये श्री पंजाब का खाना है, दाल और कीमा। पहले बड़े बड़े पार्सल लाते थे तो वो फिर रह जाते हैं, कोई नहीं खा सकता इसीलिए। इनके कीमत तो वैसे भी अच्छे होते हैं, मेरा फेवरेट है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनाया है। इंशाल्लाह अभी खाएंगे, जुमे का दिन है। जुम्मे का खाना टेस्टी है, बरकत वाला है।